अगले टॉपिक पे चलते हैं पंकज जी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे, भव्य कार्यक्रम हुआ, उस पूरे दौरे को खूब कवर किया गया। मगर एक खबर अब ये भी है कि दोनों डिप्टी सीएम वहां पहुंचना था, मंच पे उनकी जगह थी, इसकी उनको जानकारी नहीं थी, फिर विमान को लेकर भी कुछ विवाद हुआ। क्या है पूरा ये मामला? नहीं, जानकारी हुई, लेकिन देखिए समय पे दी जाती है। और अगर हुआ यूं, मैं उसको पूरा विस्तार से बताता हूं। जो किसान सम्मेलन को आपने देखा होगा मंच पर वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला कार्यक्रम था। और ये जो कभी करीब 9.25 करोड़ किसानों के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का जो डीबीटी उसी दिन उन्होंने किया था, तो वही कार्यक्रम था। शुरुआत में वहां पर दोनों डिप्टी सीएम के जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वो जो मंच था उस पर किसको किसको बैठना है, तो उसमें पता लगा कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों कृषि मंत्री भी नहीं है। तो ऐसा पहले शुरुआत में यही जानकारी है कि मुख्यमंत्री रहेंगे यूपी के कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही है, और राज्य मंत्री जो औलख हैं, जो रामकुंड साइड से जीत के चुनाव जीत कर आते हैं, ये लोग रहेंगे। के पास आधिकारिक सूचना बहुत देर से आई। अभी राज्य सरकार के पास 3 सरकारी जहाज है, प्लेन जिसको कहते हैं, और उसमें एक खराब पड़ा हुआ है। एक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस चले गए, अब दूसरे से, और उसमें 6 सीटर है, कौन कौन जाएगा? अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जाना था, संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य तीसरे हो गए, चौथे हो गए ब्रजेश पाठक, और औलख जी जो कृषि राज्य मंत्री थे वो। अब दोनों डिप्टी सीएम अपने साथ तो एक सहायक भी ले जाता है ना, सचिव जिसको बोलते हैं, बाद बाकी तो ना ले जाए। लेकिन उस दिन ऐसा 6 सीटर ही था, तो ब्रजेश पाठक अपना वाला लेकर नहीं जा पाए, अपने निजी सहायक को केशव प्रसाद मौर्य जी अपना लेकर पहुंचे। वहां जब पहुंचे, कार्यक्रम खत्म हो गया, तो आगे का तो उस किसान सम्मेलन के बाद इन इन दोनों डिप्टी सीएम का कोई कार्यक्रम नहीं था सरकारी, तो ही हुआ कि क्या किया जाए, तो उसी रात वापस लौट जाए। जब पता किया गया कि भाई उसी सरकारी जहाज से वापस लौटते हैं, तो बताया गया कि भाई ऐसा है कि वो तो अलीगढ़ जाएगा, और अलीगढ़ से एक सीनियर आईएएस अधिकारी उनको लेके आएगा, तब आप जाएंगे। तो भाई कब आएगा, तब जाएंगे, तो बात। और ये जानकारी, ये लोग जब यहाँ से बनारस गए थे, इनको इस बात का पता भी नहीं था कि भाई इसी प्लेन से किसी और को भी लेके आना है। वायु था कि उसी दिन एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के सीनियर आईएएस अधिकारी है, उनको वही प्लेन जब बनारस लेके इन डिप्टी सीएम को लेके गया था प्लेन, उससे पहले उन आईएएस अधिकारी को अलीगढ़ छोड़ के आया था लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से फिर इन सबको लेके गया बनारस। तो इन डिप्टी सीएम को बताया गया जो प्लेन में गए थे उन लोगों को, कि भाई उनको लेके आएंगे तब न जाएंगे। अब बात बड़ी खराब होगी भाई, कि अब क्या होगा भाई, उनको लेके आएंगे जाएंगे तब हम पहुंचेंगे कब, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। और ऐसा होता है कि आप 3 बार ही आप लैंडिंग और 3 बार, मतलब टोटल 6 बार लैंडिंग और आप उसको जो कहते हैं टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी टोटल 6 बार, तो गड़बड़ हो जाते हैं, जा ही नहीं पाते। फिर खैर किसी तरीके से सीएम ऑफिस से कांटेक्ट किया गया, और फिर इस विवाद को वहीं थमाया गया, और दोनों डिप्टी सीएम जो है उस रात बनारस से उसी सरकारी प्लेन से वापस लौट आए। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कभी कभी छोटा सा घाव भी ना, थोड़ा भी ना, कभी कभी बहुत जानलेवा हो जाता है। अभी ये आपस में समन्वय और सूचनाओं का आदान प्रदान और पूरा सिस्टम बना रहता तो शायद ये नौबत ही ना आती कि इस तरीके के विवाद बढ़ते। हालांकि विवाद हो नहीं पाए, उससे पहले वो चीजें ठीक हो गई। बिल्कुल, तमाम जो खींचतान की खबरें, जब से नतीजे आए पंकज जी, तब से लगातार ये खींचतान की खबरें चल रही है, कथित तौर पर खींचतान चल रहा है पार्टी इसको, सरकार। इसको एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है, एक नेता ने कहा हमें कि भाई अगर ये बीजेपी के प्रदर्शन, अगर सीटें यूपी में हाफ ना हो जाती तो शायद उन लोगों की सुनी भी ना जाती। अच्छा। वो प्लेन जो है वो अधिकारी को ही लेने के लिए चला जाता, मतलब उन्होंने कमेंट एक कटाक्ष किया। हाँ, कटाक्ष किया बीजेपी के एक नेता हैं, बीजेपी ऑफिस में जब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति होती, तो ये हाल। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर भी बड़ी चर्चा में रहेगी, जब प्रधानमंत्री जब मंच पे थे, तो तब सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, सभी जो यूपी का पूरा नेतृत्व है वो साथ दिखा। उससे पहले खींचतान खबरें चल रही थी, एक मैसेज देने का भी काम कर रही थी वो तस्वीर, मगर पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ होता है, और वो हम आप तक, दर्शकों तक लाते रहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी यूपी से, राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम मसले लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।